देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे चलते शहर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। ऐसे में शहर के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कल रात से नागपुर के तमाम पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई। लोग एक दूसरे को देखकर या कहे पेट्रोल पंप में भीड़ को देखकर पेट्रोल पंप पर आने लगे। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई और नागपुर शहर के लगभग हर पेट्रोल पंप पर सड़क के बाहर तक लंबी लंबी कतारें लग गई। हर कोई अगले 4-5 दिनों का पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में स्टॉक करना चाह रहा था। यही वजह थी कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से शहर के हर एक पेट्रोल पंप पर यह नज़ारा देखने को मिला। यही नज़ारा मंगलवार की सुबह शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर दिखाई दिया, जहाँ सुबह 6 बजे से लोग पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर कतार लगाए हुए थे। शहर के मेडिकल चौक स्थित पेट्रोल पंप का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन का नया जो कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई दुर्घटना होती है और ट्रक चालक पुलिस को बिना सूचित किए वहां से फरार हो जाता है, तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। इसी कानून के खिलाफ कल से पूरे देश में ट्रक चालकों का हड़ताल चल रही है, पूरे ट्रक के चक्के थम गए हैं। इसका अब जो दुष्परिणाम है वो पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। नागपुर शहर के सभी पेट्रोल पंप पर भीड़ दिखाई दे रही है। एक तो कोई बाकी पेट्रोल पंप तो बंद ही है। अभी हम मेडिकल चौक के पेट्रोल पंप पर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी ही तादाद में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। घंटों से यहाँ पे लोग पेट्रोल के लिए खड़े है। ऑटो, 2 दुपहिया, 4-व्हीलर, एम्बुलेंस, ये सब यहाँ पे वेटिंग पर है। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तादाद पे लोग यहाँ पे अपनी दुपहिया वाहन लेकर खड़े हैं। अभी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने देर से यहाँ पे खड़े हैं और क्या दिक्कतें उन्हें यहाँ पे हो रही है। आइए हम बाकी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा चला उमरेड के नाके से पेट्रोल पंप से घूमते घूमते आखिर यहाँ पर लाइन कम दिखी, इसलिए आया। मैं खुद मेडिकल प्रोफेशनल का व्यक्ति हूँ और बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और लोगों को ताकि परेशान नहीं होना चाहिए। मेडिकल सेवा देने वाले जो लोग होते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग है, कोई स्टूडेंट अपने साथ है, अभी उनसे जान लेते हैं। मैं यहीं पर रहता हूँ, पर आज एग्जाम है और यहाँ पर ऐसे इतनी देर से हम खड़े हैं यहाँ पे पेट्रोल के लिए, वो बहुत दिक्कतें हो रही है। मैं एक हल्दीराम वाला, एक सीताबर्डी वाला, सारी जगह पे भीड़ ही भीड़ है। तो देख सकते हो कि लोगों के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम है, अभी एग्जाम थोड़ी देर में है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ना होने के कारण जो अचानक परिस्थिति नागपुर शहर के साथ महाराष्ट्र में आई है कि पेट्रोल पंप पे कम प्रमाण में पेट्रोल है, कोई पेट्रोल पंप तो खाली हो गई है, उसके कारण जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है वहां पे ये लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है। अभी ये देखना होगा कि ये हड़ताल और कितने दिन चलती है, क्योंकि ये तो पेट्रोल की बात हो गई है, जो जीवनावश्यक वस्तु होती है, सब्जियां वगैरह, वो भी ट्रक से ही आयात या निर्यात होती है। अभी ये देखना होगा कि आज का दिन ये महत्वपूर्ण रहेगा कि ये हड़ताल बंद होती है क्या। दरअसल देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, इसलिए वाहन चालक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए आते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में भारतीय न्यायपालिका संहिता में संशोधन के बाद नए मोटर वाहन अधिनियम में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक के लिए 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बीच देश भर में इस कानून का विरोध हो रहा है और ट्रक व टैंकर ड्राइवरों ने सीधी हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में 3 कंपनियों BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने वाले टैंकर चालकों ने भी इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। स्ट्राइक की वजह से ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक बंद है, ड्राइवर्स की स्ट्राइक है, इसलिए ट्रांसपोर्ट बंद है। जो भी ड्राइवर आएगा वो अपने ऊपर में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट लेगा ही नहीं। अगर कोई बाइक वाला आगे घुस जाता है चलती सीधी गाड़ी में, तो ड्राइवर के ऊपर में 10 साल का केस आ रहा है, वो अंदर खुलूंग जाएगा सेंट्रल जेल, गलती किसी और की, भुगतान कोई और की।
आप इसका तो अंदाजा नहीं बता सकते क्योंकि जीरो लगाना हमको सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को बेटर आता है। रात से बंद हो गया पंप, जब तक ये स्ट्राइक चलेगी तब तक। ऑयल टैंकर चालकों ने जैसे ही आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाले लोगों की भीड़ लग गई। शहर के तमाम पेट्रोल पंप में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यह स्थिति केवल शहरों में नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दी। लोग वाहनों के टैंक फुल करवा कर रहे हैं जिससे हड़ताल के दिनों तक कोई परेशानी न हो। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।